नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के मामले अब सामान्य हो गए हैं, लिहाजा कोरोना काल में ट्रेनों के बढ़ाए गए किराए भी अब सामान्य कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी रेलवे कई ट्रेनों के माध्यम से कोरोना के नाम पर ही यात्रियों से अतिरिक्त किराए की वसूली कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री एक ही ट्रेन में आधे रास्ते तो नियमित ट्रेन की सवारी करते हैं, लेकिन आधे रास्ते के लिए उन्हें कोरोना से पहले का किराया देना पड़ता है। यानी कि आधे रास्ते के बाद से यह ट्रेन स्पेशल हो जाती है, जिसकी वजह से ही यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का किराया देना पड़ता है। और ऐसा होता है बिहटा से हिलसा जाने वाली ट्रेन में। ट्रेन में सवार यात्री बक्सर से फतवा तक नियमित किराया देने का काम करते हैं और फतवा से नटेसर तक स्पेशल ट्रेन बन जाने के बाद स्पेशल किराया लिया जा रहा है। एक यात्री ने हाल ही में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया है कि उन्होंने बिहटा से हिलसा का टिकट लिया था। इस ट्रेन से ही बिहटा से हिलसा का किराया 20 रुपए लिया गया। वहीं ट्रेन जब वापस लौटी तो हिलसा से बिहटा लौटी तो उस वक्त उन्हें 30 रुपए टिकट के रूप में देना पड़ा। वहीं इसी ट्रेन से फुलवारी शरीफ स्टेशन से हिलसा के लिए 30 रुपए लिए गए। अब ऐसे में यात्री भी परेशान है कि बिहटा से 20 रुपए किराया लिया जा रहा है और उसके बाद 15 किलोमीटर आगे फुलवारी शरीफ स्टेशन से कम होने के बजाय 30 रुपए किराया लिया जा रहा है। इसको लेकर जब रेल अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 03262 सवारी गाड़ी बक्सर से फतुहा तक नियमित ट्रेन के रूप में चल रही है। यानी कि इस ट्रेन में पुराना किराया ही वसूला जा रहा है, जबकि यही ट्रेन फतुहा के बाद 03632 सवारी गाड़ी के नंबर से नटेसर तक जाती है। यहाँ से ही यह ट्रेन स्पेशल बनकर चलती है। इस ट्रेन में यात्रा करने पर आपको स्पेशल ट्रेन का किराया देना पड़ता है। जो यात्री बक्सर से दानापुर तक के किसी भी स्टेशन से इस ट्रेन का नटेसर तक के किसी भी स्टेशन के लिए टिकट लेने का काम करते हैं तो उनसे नियमित ट्रेन का ही किराया वसूला जाता है। फुलवारी शरीफ से हिलसा का किराया स्पेशल ट्रेन का लिया जा रहा है, इसके कारण बिहटा से अधिक किराया हो जा रहा है। हिलसा से बिहटा तक टिकट की कीमत 20 रुपए के बजाय 30 रुपए ली जा रही है, क्योंकि हिलसा से इस ट्रेन का परिचालन स्पेशल ट्रेन के रूप में होता है। इसी ट्रेन से फतुहा से बक्सर का किराया कम लिया जा रहा है। सबसे अधिक परेशानी इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को हो रही है। आमतौर पर जो यात्री इस ट्रेन से सफर करते हैं उन्हें बक्सर से फतुहा तक टिकट रहने पर कोई भी TTE परेशान नहीं करता, लेकिन ट्रेन के फतुहा से नटेसर के लिए खुलते ही टिकट जांच करते समय TTE स्पेशल ट्रेन बताकर जुर्माना वसूलने लगते हैं। हालांकि इस मामले के बाद संज्ञान में आने के बाद ही अब रेलवे आगे क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।